गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। तो आप देखें और प्रेम से देखें, जल्दबाजी ना करें। मैं इसमें आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन करने की अलग अलग तरीके, जिससे हम किससे इफेक्टिवली आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड मिलेगा। तो अब सबसे आसान तरीका यह है कि आपको इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये लाइन याद होनी चाहिए। और वो लाइन क्या होती है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल नहीं होती। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो हमारे एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन एलिमेंट्स में कभी भी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर ये इनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होती तो ये जब भी किसी के अंदर होंगे तो उनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होगी। तो अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये ऑर्बिटल्स हों तो समझ जाओ डी नहीं है। डी होने के लिए थर्ड पीरियड का मिनिमम होना चाहिए। तो अब फर्स्ट चॉइस हमारी कौन सी है? कार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बोनेट में, ठीक है ना, इस कार्बोनेट में कार्बन भी सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का पॉसिबल नहीं है। दूसरी चॉइस है फॉस्फेट। फॉस्फेट में आप देख सकते हैं फॉस्फोरस थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें डी होगी। तो फास्फोरस की पी और ऑक्सीजन की सॉरी फास्फोरस की डी और ऑक्सीजन की पी मिलकर पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगी। थर्ड चॉइस है NO3-। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, पॉसिबल नहीं है। और लास्ट है हमारी NO2-। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। क्लियर? तो सेकेंड आंसर को हम क्लिक करते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और वो हमसे पूछता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और वो स्टेटमेंट हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए देखना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, जो करेक्ट है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी अप्रोक्स 80 किलो कैलोरी होती है और पाई बॉन्ड की एनर्जी 60 किलो कैलोरी होती है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरी चॉइस हमारी लिखी हुई है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑर्डर ऑफ 264 एंड 347। तो ये हमारा 80 किलो जूल होती है सिग्मा की एनर्जी, और अगर हम इससे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 84 जा कितने होते हैं? 32। इसका मतलब पहली सेकेंड आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी किलो जूल में या जूल में 264 दे रखी है, जबकि 80 होती है सिग्मा की। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्स 32 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। और ये फ्री रोटेशन पॉसिबल
ये फ्री रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा आप देख सकते हैं इससे। हमने ये मार्कर लिया और उसको दोनों हाथों के बीच में लगा लिया जो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इसको फ्रीली रोटेट कर सकते, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये भी सीख सकते हैं कि जिसमें भी कार्बन कार्बन में फ्री रोटेशन होता है उनमें कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है। अब हमने क्या किया, ये दो पैर लगा लिए, एक इसमें से सिग्मा है और एक पाई। अगर हम इस कार्बन को रोटेट करेंगे तो बिना ब्रेक किए हम इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, तो पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हम एक कंडीशन ये भी सीख सकते हैं कि जिसमें भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ चॉइस भी गिवन है। अब फोर्थ चॉइस क्या गिवन है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, लेकिन पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, जो बिल्कुल करेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन में या सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, जबकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि H2O तो पोलर मॉलिक्यूल है जबकि BeF2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हमारा क्वेश्चन है H2O पोलर है और BeF2 नॉन पोलर। कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके जो वेक्टर है बॉन्ड डाइपोल वो ऐड हो रहे हैं। अगर वेक्टर एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो फिर उसमें डायपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर BF2 के स्ट्रक्चर, अब जो बॉन्ड डायपोल का वेक्टर होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लॉन पेयर की तरफ जाता है, तो इसका वेक्टर इधर जाएगा और इसका वेक्टर इधर जाएगा, दोनों 180 पर जा रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो BF2 में बॉन्ड डाइपोल का सम जीरो है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो। जबकि H2 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H2 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर है तो ये बैक्टर इधर जाएगा और ये बैक्टर भी इधर जाएगा और इस लॉन पेयर का बैक्टर भी इधर जाएगा। ये सारे वेक्टर एडिशन हो रहे हैं, इसलिए H2O में डाइपोल मूवमेंट होगा और BF2 में डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों है, उसका रीजन ये है कि H2O की स्ट्रक्चर एंगुलर है और BF2 की स्ट्रक्चर लीनियर। ठीक है ना, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दें और H2O की स्ट्रक्चर ऐसी बना दें तो अब इनके वेक्टर कैंसिल हो जाए और BF2 के स्ट्रक्चर को एंगुलर बना दे तो अब इसके वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे। इसका मींस ये हुआ कि जो डायपोल मूवमेंट है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी में डायपोल है तो उसके वेक्टर ऐड होंगे और अगर जीरो है तो वो कैंसिल आउट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। हमारे सामने बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है और उस बॉन्ड एनर्जी के डेटा को देखकर हमें बताना है कि कौन स्मॉलेस्ट एटम। तो आप कैसे बताएंगे कि स्मॉलेस्ट एटम है, तो जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो जिस बॉन्ड की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी उस एटम का साइज स्मॉलर होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए इसका डी चॉइस मतलब सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि सेकंड में डी एटम गिवन है
तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड, और डी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी और साइज मिनिमम। हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि थ्री मॉलिक्यूल्स है और हमें उनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल है सीओ, ठीक है ना। सेकेंड मॉलिक्यूल ज्यादातर चॉइस में दिया हुआ है कार्बोनेट आयन, और थर्ड दिया है CO2। तो ये मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम है, ये सिंगल कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होगी। अगर कोई डाई एटॉमिक हो तो हम उसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स पर आप याद रखो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब अगर 15 हो गए तो 0.5 लेस हो जाए, और 13 होने पर भी 0.5 लेस होगा, मतलब 14 के दोनों साइड बॉन्ड एंगल 0.5 कम होता जाए, ठीक है। अब ये क्योंकि डाई एटॉमिक नहीं है तो हम इसको एमओटी से कर तो सकते हैं, पर वो एमओटी नॉर्मल कोर्स में नहीं होती। तो अब पॉली एटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे देखेंगे। इसके दो मेथड में आपको समझा, एक मेथड में इसकी स्ट्रक्चर बनाई जा, हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। अब कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे, और कितने ऑक्सीजन के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, 3 के साथ। हमने इसको डिवाइड कर दिया 1.33 आ, पर ये इस मेथड से वही लोग कर सकते हैं जिनको स्ट्रक्चर आती। अब अगर स्ट्रक्चर नहीं आती तो फिर कैसे करेंगे, तो देखना कैसे करेंगे। ये 3 ऑक्सीजन है और उस पे कितना चार्ज है, 2, ठीक है। अब 1 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, 2/3 इज इक्वल टू 0.66। तो अब ये तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया है। अब इसको हमेशा 2 में से ही माइनस करेंगे, इस 2 का इस -2 से कोई लेना देना नहीं है। वहां चाहे -4 हो, चाहे -3 हो, चाहे -1 हो, हमको -2 से ही करना है। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम, तो 2 में से कितना कम है। तो हमने डिवाइड माइनस किया तो 1.33 आ। तो अब कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर 1.33, चाहे तो स्ट्रक्चर से निकालो, और चाहे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन दोनों में डिफरेंस हो तो फिर हम इस वाले मेथड को ऑथेंटिक मानेंगे, इसके रिजल्ट को ऑथेंटिक मानेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल ही हो जाएगा तो फिर हम इस मेथड से निकालते ही क्यों है, तो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो। अब हम CO2 का निकालने वाले, यहां 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है, तो एक पे कितना होगा, एक पे 0 चार्ज ही होगा, ठीक है। तो 2 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाए, इसका मतलब CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो अब हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है आंसर, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO का होगा, उससे कम CO2 का होगा और उससे कम कार्बोनेट का होगा। और ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा सेकंड चॉइस में लिखा हुआ है। तो सेकंड इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस स्पीसीज के पास में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का क्वेश्चन, ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता हूं, और हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले PCl3 को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कई सारे मेथड टीचर सिखाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों को क्या आता है मैं दिखाता हूं। ज्यादातर लोग कैसे देखते हैं कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है,
तीन इसने बॉन्ड बनाए डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू फाइव और थ्री एट डिवाइडेड बाय टू फोर आर। फोर से हमको पता लग गया कि इसके एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है। अब वो क्या करते हैं, यहां तो फोर है और यहां पे अटैच्ड एटम थ्री है, तो ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और इसमें से इसको जो सब्ट्रैक्ट किया वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये नॉर्मल मेथड है जो बताया जाता है, बट मैं इस मेथड को यूज नहीं करता, ठीक है ना। मैं इस मेथड को यूज नहीं करता, मैं किस मेथड को यूज करता हूँ जिसमें बाद में कुछ भी नहीं देखना है, एक ही बार में सारा हो जाएगा। फॉस्फोरस से थ्री क्लोरीन अटैच, थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गए, अब हमको देखने की जरूरत नहीं। प्लस फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव होते, माइनस एक क्लोरीन पर एक चार्ज, दो पर दो होगा, तीन पर तीन होगा। अगर यहां माइनस चार्ज होता तो हम प्लस कर देते, और प्लस होता तो माइनस कर, क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने इसको जीरो कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, थ्री प्लस वन की कंडीशन आ गई। थ्री प्लस वन की कंडीशन में साफ साफ दिख रहा है तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर एक लॉन पेयर हो, एक लॉन पेयर हो तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती। तो हमें एक बार ये करने में 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे, पर हमें उसके बाद फर्दर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको कहीं और से सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकालनी, इसलिए मैं इस मेथड को प्रेफरेंस दूंगा बाकी सारे मेथड्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। हम देखते हैं फिर एक नया क्वेश्चन। नेक्स्ट में वो कहता है कि किस में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और पहली चॉइस हमारे पास है NO2 माइनस। तो देख लेते हैं फटाफट, दो ऑक्सीजन है प्लस फाइव माइनस फोर, एक ऑक्सीजन पर दो होता है तो दो ऑक्सीजन पर चार चार्ज है, ठीक है। यहां माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो गया टू प्लस, ठीक है ना, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो हमारा थ्री वन आ जाएगा, तो टू प्लस वन मतलब एसपी टू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NH2 माइनस, इसी का पेयर है NH2 माइनस, तो टू सिग्मा प्लस फाइव नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, टू हाइड्रोजन पर टू चार्ज होगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर मीन्स sp3, दैट इज मीन्स फर्स्ट चॉइस इसका आंसर नहीं, फर्स्ट चॉइस इसका आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव ऑलरेडी हमारे सामने है, अब हम NO3 नेगेटिव को साथ में चेक करें, तो 3 प्लस 5 माइनस एक ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर 2 और 3 पर माइनस 6, क्योंकि यहां माइनस है तो हम यहां प्लस 1 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 इज इक्वल टू sp2। इसका मींस हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर NO2 माइनस और NO3 माइनस का आंसर से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आगे देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, अगला क्वेश्चन है SF6 में, SF6 की ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है ना। तो SF6 की ज्योमेट्री को देखने के लिए हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए, तो SF6 जो हमारा होगा देखो 6 फ्लोरीन अटैच है तो सिग्मा बॉन्ड 6 हो गए, तो कम से कम sp3 d2 तो हो ही गई,
सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, फ्लोरीन में से 6 माइनस किए, 0 चार्ज है, 2 से डिवाइड कर दिया, 6+0। 6+0 का मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड है और ये लॉन पेयर है, इक्वल टू S6 और sp3d2, sp3d2। अब sp3d2 में अगर एक भी लॉन पेयर नहीं हो तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होती है, एक लॉन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल होती है, मतलब ये कंडीशन 5+1 की हो जाए, और अगर दो लॉन पेयर हो 4+2 तो फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ये बात हमको याद करनी पड़ती है, और आजकल पेपर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं ज्योमेट्री पूछी जाती। यहां से कभी कभी क्वेश्चन एक ऐसा भी आ जाता है, ए बी फोर और ई टू ऐसे कर, और ये एनसीईआरटी में गिवन है। इसका मतलब होता है कि ये चार सिग्मा बॉन्ड है और ये दो लॉन पेयर है, तो 4 और +2 को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल सम 6 हो जाएगा। 6 का मतलब है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, और sp3d2 में अगर दो लॉन पेयर हो तो फिर स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। हम देखते हैं फिर एक नया क्वेश्चन जो हमारे सामने, क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो। अब बॉन्ड एंगल निकालना एक ट्रिकी काम होता है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना एक ट्रिकी काम है, तो हम देख लेते हैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो। तो मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ये कंसेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो फिर बॉन्ड एंगल देख लो, और इतना आपको शायद आता ही होगा कि sp की 180 एंगल, sp2 का 120, sp3 का 109, और फिर sp3d में 120 और 90, और sp3d2 में सारे 90। नॉर्मली यहां तक बात नहीं पहुंचती, sp3 तक ही खत्म हो जाती। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, पर इसके लिए लॉन पेयर देखना जरूरी है। अगर लॉन पेयर नहीं है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर बॉन्ड एंगल बिल्कुल बराबर होगा। इसका एग्जाम्पल मैं सबसे एंड में आज करूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लॉन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल और लॉन पेयर में ये रिलेशन होता, जिसमें लॉन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, और वो एग्जाम्पल है CH4NH3H2। अगर हम इसकी कंडीशन निकालें तो ये 4+0 है, 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर। इसकी कंडीशन निकालें तो 3+1, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर, और इसकी कंडीशन निकालें तो 2+2। इसका मीन्स हुआ सबकी हाइब्रिडाइजेशन बराबर है, लेकिन इनमें लॉन पेयर प्रेजेंट है, जिसमें लॉन पेयर ज्यादा उसमें लॉन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल भी कम हो। तो H2O का बॉन्ड एंगल 104 होता है अप्रोक्स, और ये 107 और ये 109। अगर एंगल याद है तो आपसे अच्छा स्टूडेंट दुनिया में कोई नहीं, और याद नहीं है तो ऐसे करते। तो अब हमें पता लग गया ये। इसके बाद में तीसरा कंसेप्ट ये है, अगर लॉन पेयर भी बराबर हो तो फिर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है। और भैया कभी भी कूद के मत जाना,
पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना, फिर लोन पेयर देखना, और उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख। इसका एग्जाम्पल है ये NH3, PH3, AsH3 और एंटीमनी H3। NH3, PH3, AsH3, SbS3 सब में 3+1 की कंडीशन। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, तो अब किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो, और इसका बॉन्ड एंगल 107 के अप्रोक्स होता है। अब बच्चे ड्रैगो ड्रैगो रूल्स पढ़ते रहते हैं, आप जिस लेवल पे हैं आपको ड्रैगो की कोई नीड नहीं है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में आते ही एकदम से ये 94 और 92 के बीच में पहुंच जाता है बॉन्ड एंगल, तो कंपैरेबल है ही नहीं। थर्ड पीरियड के ज्यादातर कंपाउंड का बॉन्ड एंगल 92 के और 94 के बीच में होता है, तो ड्रैगो की कोई नीड नहीं है। कोई बहुत लाखों में एक प्रॉब्लम में ड्रैगो की नीड आएगी। आप मेरे कंसेप्ट से पढ़ोगे, आपको कोई ड्रैगो लगाने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको ड्रैगो लगाते हैं तो ड्रैगो आपको सिलेक्शन से ड्रैग कर रहा है, और आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? 1 मिनट के क्वेश्चन में आप 5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हायर होगी उसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहां पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 और H2S। H2 और H2S में बॉन्ड एंगल H2 का ज्यादा होगा, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, दोनों में लोन पेयर सेम, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हायर है, इसलिए H2O का बॉन्ड एंगल H2S से ज्यादा हो। अब लास्ट कंसेप्ट 4, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर हो तो फिर बॉन्ड एंगल देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम के साइज से। सराउंडिंग एटम में जिसका साइज बड़ा होगा उसका बर्न एंगल भी बड़ा होगा। यहां हम देखेंगे दो प्रॉब्लम, OCl टू OF, दोनों में 2+2 की कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो अब आप ही बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका जिसकी सराउंडिंग एटम का साइज लार्जर होगा। तो सराउंडिंग एटम साइज किसका लार्जर होगा? क्लोरीन का। इसलिए क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल 1110 और इसका 102 डिग्री होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपको बॉन्ड एंगल लर्न है तो आपसे बढ़िया स्टूडेंट दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, इस सीरीज का सेकेंड एग्जाम्पल ये है, ओ डाई मिथाइल इथर और डाई इथाइल इथर में किसका एंगल हायर होगा? इसका एंगल 110 डिग्री होता है और इसका 118 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि किसका बॉन्ड एंगल उसकी हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा है। दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन लोन पेयर और मिथाइल और इथाइल ग्रुप के रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल हायर हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 कंसेप्ट हैं, पांचवे की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ड्रैगो लगाने की आपको कोई नीड नहीं है। तो अब हम अपने प्रॉपर क्वेश्चन पर लौट कर आ रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखो हमेशा कि पेपर 12th पास बच्चों के लिए होता है, तो आपसे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इजी ही पूछे जाएंगे, टफ नहीं होंगे, 12th के लेवल के होंगे, ज्यादा से ज्यादा BSc का लेवल टच कर रहा हो, टच। ऐसा नहीं होगा कि वो टॉपिक ही बदल जाए। और अगर कोई क्वेश्चन कभी ऐसा आया है तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो हमारे पास चॉइस है NO2 पॉजिटिव, पहली चॉइस।
एनओ टू पॉजिटिव में टू ऑक्सीजन प्लस फाइव माइनस फोर और प्लस है तो माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टू प्लस जीरो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 180 होता है। दूसरी चॉइस हमारी ले लेते हैं एनओ टू, टू प्लस फाइव माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू, मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं है तो जीरो आएगा और ये आ गई 2.5। अगर फ्रैक्शनल में आ जाए तो 0.5 आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा लिया तो तीन हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 या 120 से थोड़ा सा लेस NO3। ठीक है, 3 प्लस 5 माइनस 3 ऑक्सीजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 0, नो लोन पेयर। तो इस NO3 का बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 होगा, लेकिन NO2 पॉजिट, NO2 का बॉन्ड एंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, पर बॉन्ड एंगल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 120 से थोड़ा सा डिक्रीज। तो क्लियर कट है, हमें कोई ड्रैगो की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा किसका, NO2 प्लस का 180, NO3 माइनस NO2। ठीक है ना, NO2 का बॉन्ड एंगल इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा हायर होता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो आप जरा करके, तो सबसे ज्यादा ये और सबसे कम, तो थर्ड आंसर को आप टिक कर। हम आज का आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं और आखिरी क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं आपको ऑथेंटिक मेथड बताता हूं। ठीक है ना, इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6, और वो हमसे पूछता है 1 3 5 कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। तो ध्यान से देखना, आपको दोबारा ये मेथड कोई नहीं मिलेगा। अगर किसी में 0 पाई हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर 1 पाई हो तो sp2 होती है, और 2 पाई हो तो sp होती है। नॉर्मली पाई बॉन्ड का हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करते, आज ही हमने क्वेश्चन किया, पर ये ट्रिक है तो ट्रिक से देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसमें 1 सिग्मा 2 पाई है, ठीक है, तो sp sp। इस वाले कार्बन ने इधर तो 2 पाई बना रखे हैं और इधर नहीं, तो 2 पाई है तो sp। इस वाले कार्बन ने इधर भी पाई नहीं बना रखा और इधर भी पाई नहीं बना रखा तो sp3। इस वाले ने इधर सिग्मा लेकिन इधर 1 पाई बना रखा है तो sp2, तो ये भी ऑटोमेटिकली sp2 हो जाएगा क्योंकि, और ये वाला sp3। तो बेहद आसान मेथड है, इससे आसान नहीं मिलेगा ढूंढने पर भी। तो 1 की sp, थर्ड वाले की क्या sp3, थर्ड वाले की क्या sp3, और फिफ्थ वाले की क्या sp2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट sp, फिर sp3, फिर sp2। इसका मींस हुआ थर्ड हमारा करेक्ट आंसर। आप मेरे कोर्सेस को गूगल ऐप स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के नाम से परचेज कर सकते। थैंक यू।